सो वंस अगैन वेलकम टू आवर चैनल आई टी डूस इस वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल का पार्ट देखने वाले हैं और इस टूटोरियल में हम मैथ के मेथड के बारे में जानने वाले हैं जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मैथ्स के मेथड के बारे नंबर oh, मेथड्स के बारे में हम मैंने uh, मतलब ये सारी चीजें आपको बताई थी ऊपर जितने भी चीजें थी टू टू फिक्सर और सारी चीजें जितने भी है इज फाइन आइट इज इंटीजर इन फ्लोट ये सारी चीजें मुझे मैंने नंबर मैथड को बताया था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के मैथड के बारे में ठीक है तो मैथ्स के मैथड इतने और ये सारी चीज मैं यहाँ पे नोट्स के में भी प्रोवाइड करा रहा हूँ और आपको बताऊंगा भी कि ये कैसे काम करते हैं और कैसे आप इसका यूज ले सकते हो ठीक है तो इस वीडियो में हम पूरा मैथ्स का जितना भी मेथड होता है जावा स्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट वो सारे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना ठीक है तो सबसे पहला मेथड है सीई आई एल मैथड ठीक है रिटर्न अपर नियरेस्ट वैल्यू ओके okay, तो ये क्या करता है ना यार ये जो होता है ना मतलब जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो मतलब अपर नियरेस्ट वैल्यू जैसे क्या होता है ना अगर आप पॉइंट पे नंबर जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं इस सारी चीजों को मैं डिलीट करता हूं और वायर लेता हूं ए इक्वल टू एक्वल टू टू पॉइंट थ्री ठीक है ए में मैंने ये वैल्यू ले लिया ठीक है अगर मुझे चाहिए जैसे राउंड ऑफ होता है ना राउंड ऑफ करते हो तो आप राउंड ऑफ कर दोगे तो ये दो बन जाएगा टू इसको आप इंटीजर में अगर प्रिंट कराओगे तो ये बस दो होगा ठीक है लेकिन यार अगर आपको अपर नियरेस्ट वैल्यू में प्रिंट कराना है यार मतलब टू के पार्ट पॉइंट है तो यार यार ये मुझे थ्री में कर देना है अपर नियरेस्ट वैल्यू जो इसके नियरेस्ट वैल्यू है उससे अपर में लाइक इससे मतलब देखो एक डाउन नियरेस्ट वैल्यू होता है इससे डाउन में क्या होगा आप मतलब इसके डाउन नियरेस्ट वैल्यू दो हो जाएगा क्योंकि यार इसको पॉइंट के बाद जो नंबर है मतलब इसका मतलब हो गया दो रुपया तीस पैसे ठीक है मतलब अगर पैसे में देखो तो दो रुपये तीस पैसे हो गया मतलब अगर आप इसको मैक्सिमम काउंट करोगे यार मतलब राउंड ऑफ करोगे तो यार दो रुपये इसके वैल्यू होंगी जैसे रुपये से समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा जैसे होता है ना कि यार मेरे को दो किसी चीज़ किसी चीज़ का प्राइस है दो रुपये तीस पैसे ठीक है आप वहाँ पे दुकान पे गए तो आप कहोगे यार दो रुपये तीस पैसे तीस पैसे क्या दे रहे हो मतलब लगा रहे हो और मतलब दो ही में दे दो रुपये में ही दे दो तो मतलब वो शॉपकीपर कहता है अच्छा ठीक है तीस पैसे में क्या ही जाता है दो per a me dedo लेकिन कई होते हैं ना यार दुकानदार वो फिक्स प्राइस वाले होते हैं वो बोलेंगे कि नहीं भाई दो रुपया तीस पैसा है तो आप तीन रुपया दे दो उससे कम नहीं होगा नहीं तो दो रुपया तीस पैसा दो तो समझ रहे हो तो अपर मतलब अपर नियरेस्ट वैल्यू मतलब वो बोलेंगे कि यार दो रुपए तीस पैसा है तो मुझे तीन रुपए चाहिए क्योंकि दो नहीं तो दो रुपया तीस पैसे दो नहीं तो तीन रुपए दो तो दो रुपया तीस पैसे आप दे नहीं सकते तो आप तीन रुपए दे के वो चीज ले आते हो ठीक है तो वो होता है ना अपरेस्ट अपर नियरेस्ट वैल्यू ठीक है तो उसे कहते हैं ठीक है तो वो अगर आपको काउंट करना है सीई मेथड -E होता है वो आप काउंट करते हो तो जैसे मैं इसको करता हूं जैसे आप वेर b इक्वल टू सीई आई यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने मैथ डॉट सीई क्योंकि ये मैथ्स के मेथड है ना तो एम ए टी एच मैथ ठीक है और डॉट सी ई आई इसका ये मेथड है और इसमें आपको a पास कर देना है ठीक है और इसके बाद अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डी ओ सी यू एम ई एन टी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां पे आपने बी को प्रिंट कराया और यहाँ पे जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपको देखने को मिलेगा तीन ठीक है तीन क्यों मिला मैंने आपको समझा दिया ये अपरेस्ट नियर वैल्यू को काउंट करता है 2.3 है तो बोलेगा नहीं मेरे को तीन देना है मेरे को तीन रुपए चाहिए नहीं तो मैं नहीं दे रहा ठीक है तो वहां पे आता है सी आई एल वैल्यू वहां पर आप यूज करते हो अगर आपको अपरेस्ट नियर वैल्यू चाहिए तो ठीक है तो ये मतलब मेथड ये काम करता है ठीक है आ, यहाँ पे देखो इफ निगेटिव रिटर्न डाउन नियरेस्ट वैल्यू तो आपको पता है आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा छोटे पे तो क्या होता है ना अगर जैसे होता है ना देखो सबसे बड़ा वैल्यू अगर निगेटिव में देखा जाए तो क्या सबसे बड़ा है आपका सबसे बड़ा अ, मतलब वो वैल्यू क्या है जितने भी आप जैसे होता है ना अगर यहाँ पे मतलब मैंने लिख दिया देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आ, इसको कमेंट डाउन करके लिख रहा जैसे देखो थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा लिखा है ना देखो यहाँ पे ना जब से अगर आप ऐसे लिखते हो ना तो यार एक से बड़ा दो है दो से बड़ा तीन है तीन से बड़ा चार है चार से बड़ा पांच है आपको पता है ठीक है लेकिन यहाँ पे अगर यहां करोगे ना तो देखो माइनस एट सबसे छोटा है उससे बड़ा है माइनस उससे बड़ा है माइनस फोर मतलब सॉरी मतलब माइनस देखो माइनस वन सबसे छोटा है मतलब उससे बड़ा ये है ऐसे अब काउंट होता है ना देखो यहाँ पे आप ए, इस टाइप में काउंट करते हो ये आपका रूट रहता है और यहाँ पे आप ऐसे करते हो जैसे होता है यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू को आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हो ठीक है तो

माइनस टू क्योंकि इसका अपरेस्ट नियर वैल्यू होता है माइनस टू टू होता है क्योंकि यार माइनस में चीजें मतलब घटते से बढ़ते क्रम में होती है और वहां से सॉरी बढ़ते बढ़ते से घटते क्रम में होती है और यहाँ पे जब आप प्लस में जाओगे तो बढ़ते से घटते क्रम में होती है ये तो आप मैथ में पढ़े हो ठीक है आपने बेसिक है ये आपने स्टार्टिंग uh, में भी पढ़ा होगा मैंने भी हल्का सा आपको समझा दिया कि यार कैसे काम करता है ठीक है तो ये चीजें हैं तो आपको समझ में आ गया होगा सीई आई -E एल मेथड क्या होता है ओके तो ये इसका सिंपल मीनिंग है ये अपरेस्ट नियर जो नियरेस्ट वैल्यू होती है सबसे अपर राउंड ऑफ करके वो वैल्यू रिटर्न करता है ठीक है उसके बाद आता है फ्लोर वैल्यू जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया आपको कि यार कई दुकानदार होते हैं ना बोलते हैं यार दो रुपया तीस पैसे चलो दो रुपया यहाँ पे तीस पैसे का है मेरा मेरा सामान दो रुपया तीस पैसे का है ठीक है तो चलो ठीक है भाई दो रुपया ही दे दो पैसे कर देते हैं कुछ ऐसे शॉपकीपर होते हैं तो वहां पे आप यूज करते हो ना फ्लोर वैल्यू अगर ऐसा हो ना तो या फिर डब्लो आर फ्लोर वैल्यू आप यहाँ पे यूज करते हो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखो दो आ गया क्योंकि यार ये ना नियरेस्ट वैल्यू जो होता है ना मतलब इससे छोटी दो दो रुपया तीस है तो दो ही लगा लो तो ये यहाँ पे ये यह रिटर्न करता है उसका नियरेस्ट वैल्यू मतलब आपने माइनस कर दिया चलो ठीक है यार तीस पैसे में क्या ही जाता है दो रुपए में ही दे देते हैं तो ऐसे कस्टमर लाइक ऐसे ऐसेपर ना फ्लोर मेथड का यूज करते हैं मैं सॉपकीपर नहीं यूज करते मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप अच्छे से इस रिलेट कर पाओ ठीक है तो मतलब देखो जो मतलब बड़े रिजिट होते हैं एक दाम होता है ना एक दाम वाले वो सी आई एल मैथड का यूज करते हैं और जो होते हैं थोड़े पोलाइट होते हैं चलो ठीक है कुछ माइनस ही कर देते हैं वो होते हैं फ्लोर वाले ठीक है तो आप यहाँ से समझो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये बात ठीक है फ्लोर मतलब यार आ, मेरे ये बहुत ही फ्लोर इंसान है मतलब बहुत ही काइंड है ये कम कर देता है सी आई एल अब ये तो पूरा सॉरी <laughs> अबे ये तो पूरा ही लेगा मतलब अगर दो रुपया तीस पैसे तो तीन रुपया ही लेगा समझ लो ऐसी ऐसी वैल्यू के लिए ऐसे ऐसे वर्ड यूज करे जाते हैं वर्ड नहीं यूज ये मेथर्स का नाम है ठीक है उसके बाद आता है भाई राउंड मेथड राउंड ऑफ कर देना राउंड ऑफ क्या होता है जैसे आपने नाइंट यहां पे, 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 पे आप करोगे तो देखो यहां पे क्या इसका राउंड ऑफ क्या होगा दो ही होगा क्योंकि यार ये जो वैल्यू है ना पॉइंट फाइव जीरो से कम है अगर यहाँ पे पॉइंट फाइव जीरो मैंने कर दिया तो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी देखो तीन हो जाएगी मैथ में आपने पढ़ा होगा जो यहाँ पे होता है ना ये आ, मतलब यहाँ पे आपने पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा अगर यहाँ पे ये वैल्यू जिसकी फर्स्ट लेटर है अगर ये आपकी फाइव या फाइव से बड़ी है तो राउंड ऑफ करके वो क्या कर देता है अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है फाइव सिक्स ठीक है सेवन अगर यहाँ पे मतलब मुझे दो डिजिट में करना है राउंड ऑफ तो क्या करेगा तो कि यहाँ पे फाइव से बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा एक ऐड हो जाएगा ठीक है आपने मैथ में पढ़ा होगा काफी अच्छे से पढ़ा होगा बचपन में ही पढ़ाया गया था तो यहाँ पे क्या होता है ना अगर ये वैल्यू ना फाइव से या फाइव और या फाइव से बड़ी हो तो राउंड ऑफ करके यहाँ पे तीन कर देगा अगर यहाँ पे ये वैल्यू फाइव से छोटी है अगर फोर्टी नाइन भी हुई तो भी यहाँ पे ये राउंड अप करके दो कर देगा देखो टू कर दिया लेकिन अगर यहाँ पे फाइव हो गया फाइव जीरो मतलब फाइव हो गया तो ये राउंड अप करके यहाँ पे तीन कर देगा तो ये होता है राउंड अप अगर पांच से बड़ी है उसके बाद तो वो राउंड ऑफ करके आपका मतलब एक वैल्यू बढ़ा देगा अगर फाइव से छोटी है पॉइंट के बाद तो उसको राउंड ऑफ करके एक वैल्यू घटा देगा लाइक like, ये दोनों का काम करता है अगर आ, मतलब ये फ्लोर और यहाँ पे सी आई एल का दोनों का काम कर, कर सकता है अगर फाइव से बड़ी है तो फ्लोर का मेथड काम करेगा फ्लोर जैसा बिहेव करेगा ये और फाइव से छोटी है तो आपका सीआईएल के तरह काम करेगा तो ये होता है राउंड ऑफ राउंड ऑफ तो बहुत ईजी है आप बहुत बार यूज किए होंगे मैथ्स में भी बचपन में भी राउंड ऑफ करके इसको इतना कर देना तो राउंड बहुत सिंपल मेथड है ठीक है तो ये हो गया राउंड मेथड उसके बाद आता है ना टी ट्रंक मेथड ट्रंक मेथड क्या करता है भाई ट्रंक मेथड ना देखो सिंपली रिटर्न इंटीज इंटीजर वैल्यू फ्रॉम फ्लोट ठीक है ये क्या करता है ना अगर यार आपका ना ये ऐसा वैल्यू है आपको सिंपल इंटीजर में वैल्यू चाहिए यार फ्लोट में ये फ्लोट वैल्यू आपको पॉइंट में जितने भी वैल्यू होते हैं फ्लोट होते हैं आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए यार पॉइंट हटा देना है आपको इंटीजर चाहिए तो आपको क्या करना है सिंपल यहाँ पे आपको लगा देना टी ट्रंक टी आर यू एन सी टी आर यू एन सी ट्रंक मेथड लगा देना ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या कर देगा यहाँ पे देखो लगा दिया दो क्योंकि यार ये क्या करता है ना इसको सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो इसके पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यू होंगे वो सारे को हटा देगा ठीक है तो ये मेथड होता है आपका ट्रंक मेथड अगर आपको सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है तो आप ट्रंक मेथड इस्तेमाल करोगे तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उनको हटा के सिंपल जो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू होगा उसी को बस डिस्प्ले करा देगा ठीक है तो ये होता है आपका ट्रंक मेथड ठीक है तो ऐसे यहाँ पे आप ट्रंक मेथड यूज करते हो तो ये आपने पढ़ लिया ठीक है उसके बाद आता है यार क्या उसके बाद आता है मेथड मैं बता रहा हूं Uh, उसके बाद आता है यार मैक्स मेथड मैक्स मेथड क्या होता है यार uh, मतलब मैक्स मेथड uh, क्या करता है ना मैक्सिमम उसमें से रिटर्न कर देता है जैसे क्या होता है ना यहाँ पे अगर मैक्सिमम हमने कर दिया जैसे यहाँ पे देखो ये तो इसका काम हट जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं मैक्स क्या करते हैं यहाँ पे मैक्स कर देते हैं और मैक्स uh, के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे अगर मान लो हमको दस बारह बाईस चौवालीस और 11 इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम मैक्स का यूज करते हैं तो हम यहाँ पे ये क्या करेगा सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वहाँ पे आ, मतलब यहाँ पे रिटर्न कर देगा ठीक है तो ये होता है मैक्स मेथड मैक्स मेथड क्या करता है जितने भी आपके वैल्यू हैं जितने भी आपके मेथड्स हैं वो क्या करता है उसमें से मै, मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब रिटर्न कर देता है सॉरी एक कॉल कहता और मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देता है इनमें से जो भी आपका बड़ा सबसे बड़ा वैल्यू हो उसको रिटर्न कर देता है वैसे ही मिन मेथड काम करता है यार मिन मेथड क्या करता है सबसे मिनिमम जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर देता है जैसे यहाँ पे आप मिन लगाओगे तो यहाँ पे देखो सबसे जो छोटी वैल्यू होगी उसको ये रिटर्न कर देगा सबसे छोटी वैल्यू हमारे इसमें थी एलेवन ग्यारह ठीक है तो ये होता है मिन मैथड उसके बाद आता है यार उसके बाद देखो स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट क्या करता है यार आपका स्क्वायर रूट लगा देता है जैसे आप स्क्वायर रूट आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप एस क्यू आर टी एस क्यू आर टी यहाँ पे आप लगा दो एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट यहाँ पे आपने करा और यहाँ पे क्या कर आपको किस चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है आपको दो का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या करोगे दो का स्क्वायर रूट क्या होता है फोर मतलब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट वन पॉइंट सॉरी एस क्यू आर टी यहाँ पे एस क्यू आर टी ठीक है देखो क्या करता है ना अगर आपने दो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है यहाँ पे उसकी सबसे आउटपुट होती है ना उसके आधा मतलब हाफ कर देता है स्क्वायर रूट कर देता है जैसे अगर आपने फोर किया तो यहाँ पे इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इसकी क्या होगी हो टू होगी अगर आपने एट किया तो इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी फोर होगी यहाँ पे देखो फोर होगी तो मतलब सॉरी स्क्वायर रूट क्या करता है ना देखो सॉरी 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 स्क्वायर रूट का ये एक्जाम्पल होता है जैसे टू इंटू टू टू इंटून ऐसे होता है ना जैसे इसकी होती है ना फोर करोगे तो टू इंटू टू इक्वल टू फोर ठीक है ऐसे ही अगर ट्वेंटी 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 फाइव करोगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा देखो Uh, uh, five into five equal to 25, ऐसे होता है तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है रूट ऐसे है है इसका मतलब मतलब uh, कोई कोई भी uh, मतलब, uh, कोई भी होता है ना कि वैल्यू उसका अगर आपने रूट निकाला तो अगर मान लो आपने थर्ड uh, मतलब ऐसा निकाल दिया ट्वेंटी फाइव या uh, 75 फाइव कर दिया तो uh, मतलब आपका स्क्वायर रूट उसके हिसाब से निकल जाएगा जैसे सेवनटी फाइव करा तो आपका स्क्वायर रूट होगा एट इंटू सिक्स अगर इसको आपने इंटू टू करा इस वैल्यू को अगर आपने इंटू टू करा तो आपका देखो मैं कैलकुलेटर लगाता हूँ कैलकुलेटर यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ये इंटू टू तो आपका ये हो गया सेवेंटी पॉइंट यहाँ पे यह, यहाँ पे होता है ना सेवेंटी पॉइंट वो और उसका इंटू करोगे उन टू करते करते जो आएगा ना आपका हो जाएगा ये वैल्यू जैसे यहाँ पे देखो मैंने फोर किया उसका स्क्वायर रूट टू क्योंकि टू इंटू टू इक्वल टू फोर ऐसे फाइव का स्क्वायर रूट क्या था फाइव इंटू फाइव इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ऐसे स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट के आरोप में आपने पढ़ा होगा मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ इसलिए थोड़ा सा वैसे कन्फ्यूज हो गया था मैथ्स काफी टाइम हो गया छोड़े हुए उसके बाद होता है ना यहाँ पे सीबीआर क्यूबिक रूट ठीक है क्यूबिक रूट क्या करता है आपका क्यूब में निकालता है जैसे आपने 125 किया तो उसका वैल्यू होगा 5 फाइव इंटू फाइव स्क्वायर रूट होता है क्यूबिक रूट तो सीबीआर यहाँ पे आप यूज कर सकते हो देखो यहाँ पे सीबीआर क्यूबिक रूट निकालता है सी सी बी आर टी सी बी आर टी आपने लगाया और यहाँ पे आपने वन ट्वेंटी फाइव कर दिया ठीक है uh, 125, ओके okay, और इसका क्यूबिक रूट क्या होगा फाइव होगा क्योंकि फाइव को तीन बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वन ट्वेंटी फाइव आ जाएगा ठीक है तो ये होता है क्यूबिक रूट ठीक है यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है ठीक है उसके बाद होता पावर 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 होता है ना टू पे पावर थ्री टू पे पावर फोर मतलब ऐसा आप लिख सकते हो तो यहाँ पे हम मैं दिखा रहा हूँ आपको पावर कैसे काम करता है ये सब स्क्वायर रूट क्यूबिक रूट आपको पता होगा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ठीक है uh, तो इसलिए ये मतलब ऐसे काम करता है उसके बाद आता पावर जैसे आपने देखा ना जैसे यहाँ पे देखो मैंने फोर कॉमा थ्री लिखा है तो इसका मतलब फोर पे पावर थ्री ठीक है यहाँ पे आपने जो लिखा है वो वैल्यू और उस पे पावर आपको क्या लगाना है दो का तो ये पावर पे वैल्यू रिटर्न करता है तो फोर पावर टू क्या होता है हो। पे होगा ठीक है देखो तो यहाँ पे सिक्स ये पावर में आता है अगर यहाँ पे मैं, मैंने थ्री कर दिया तो फोर पे पावर थ्री फोर पे क्यूब हो गया तो फोर पे क्यूब क्या होगा सिक्सटी फोर होगा तो अगर पावर में आपको वैल्यू निकालना है तो पा पीओडब्ल्यू पावर का यहाँ पे आपको लगाना होगा उसके बाद एक वैल्यू लिखनी होगी उसका पावर लिखना होगा यहाँ पे वैल्यू होती है और यहाँ पे ये पावर होता है ठीक है उस पर पावर वैसे ही आता है यार यहाँ पे रैंडम मैथड रैंडम मैथड क्या होता है रैंडम मेथड क्या करता है आपको रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है ठीक है Uh, hai, random, uh, तो रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है तो क्या करता है जैसे आपको क्या करना है रैंडम मतलब वो क्या करता है ना जीरो से लेके वन के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू को रिटर्न करता है जैसे यहाँ पे मैंने रैंडम लिख दिया रैंडम आर ए एन डी ओ एम रैंडम मैंने लिख दिया तो ये क्या करेगा देखो यहाँ पे जीरो से वन के बीच में कोई सी भी रैंडम वैल्यू देगा हमेशा ये चेंज होता रहेगा देखो हमेशा ये चेंज होता रहेगा रैंडम वैल्यू रैंडमली कोई भी वैल्यू आएगा ठीक है तो ये जीरो से वन के बीच में रैंडम मेथड वैल्यू देता है आप क्या कर सकते हो ना आप इसको यूज़ में ले सकते हो रैंडम मेथड को आप अपना कोई भी अगर मान लो आपको 10 के बीच में रैंडम मेथड चाहिए तो आप क्या करते हो फ्लोर कर दोगे फ्लोर मतलब आपको पता होगा कि क्या करता है ना वो मतलब नियरेस्ट वैल्यू को काउंट करता है तो आप क्या करोगे ना देखो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा आपको अच्छा बनाना है तो वेर सी इक्वल टू यहाँ पे आप लगाओगे मैथ डॉट फ्लोर फ्लोर और इसके अंदर आपने ये कैलकुलेशन कर दिया मैथ डॉट रैंडम मैथ डॉट रैंडम रैंडम और यहाँ से आपको रैंडम क्या करना है रैंडम कहाँ कितने के बीच में करना है यहाँ पे देखो इनटू टेन मतलब आपको टेन मतलब इनटू टेन तक करना है मतलब टेन तक करना है और इसमें प्लस वन कर देना है आपको ठीक है यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें क्या कैसे काम कर रही हैं ठीक है थीके? देखो यहाँ पे सी कर देना है ठीक है देखो ये क्या करता है ना यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर फ्लोर मेथड हमने पढ़ा ये क्या करता है ना नियरेस्ट जो मतलब वैल्यू होती है मतलब टू पॉइंट फाइव जीरो है तो टू इसको रिटर्न कर देता है ठीक है पॉइंट में वैल्यू नहीं रिटर्न करता है और उसके बाद क्या करना है आपको मैथ डॉट रैंडम आपने मैथड लगाया ये जो मैथ डॉट रैंडम है जीरो टू वन के बीच में कोई सी भी रैंडम वैल्यू देता है और इंटू टेन कर देना है तो कोई सी भी वैल्यू आनी है तो वो उसमें इंटू टेन हो जाएगा ठीक है इन टू टेन हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा मतलब इसमें इंटू टेन हो जाएगा तो यार उसकी वैल्यू मान लो वन जीरो पॉइंट समथिंग आया तो इंटू टेन हो जाएगा उसमें और देखो आ, मतलब ऐसा होगा ना कि अगर फ्लोर आएगा तो उसमें इंटू टेन हो जाएगा और उसमें प्लस वन हो जाएगा तो यार कोई सी भी रैंडम वैल्यू आ जाएगी तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कैलकुलेशन यहाँ पे ये रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है उसमें इंटू टेन कर देता है क्योंकि हमको टेन तक की वैल्यू रैंडम वैल्यू चाहिए उसमें प्लस वन कर देता है कि यार अगर आपका पॉइंट में आएगा नंबर तो यार उसमें प्लस वन को करनी ही करनी है ठीक है तो वहां पर वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जैसे ही आप रिटर्न करोगे देखो फोर टू टेन एट को हमेशा रैंडम वैल्यू आता रहेगा हमेशा हर वक्त रैंडम वैल्यू आता रहेगा ठीक है थीके? तो ये होता है रैंडम मेथड सिंपल आपको रैंडम लिखना है मैथ डॉट रैंडम आपका रैंडम मेथड जीरो टू वन के बीच में यहाँ पे ये यह पॉइंट करता रहेगा ठीक है थीके? और इसको आपको टेन तक का करना है तो आपको ये लगाना ये कैलकुलेशन सिंपल छोटा सा कर देना आप टेन तक का ले सकते हो और यहाँ पर हंड्रेड तक हंड्रेड तक का करना है आप हंड्रेड लगा दो इंटू हंड्रेड तो यहाँ पे हंड्रेड तक के बीच में कोई सा भी वैल्यू देता रहेगा ये यहाँ हमें से ठीक है तो ऐसे ही ये काम करता है रैंडम मैथड ठीक है उसके बाद होता है ना उसके बाद आता है यार आप, आपका एपसोलूट ए बी एस मैथड रिटर्निंग एप्सोलूट वैल्यू एब्सोलूट वैल्यू क्या होता है जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है देखो यहाँ पे क्या करता है ना एप्सोट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करता है जैसे अगर आपने माइनस टू करा तो इसको प्लस में कर देगा मतलब एब्सोलूट वैल्यू एब्सोलूट वैल्यू मतलब होता है कि यार ये पॉजिटिव नंबर होगी वो मतलब ये होता है ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको हटाता हूँ इस वेरिएबल वै, सी को और यहाँ पे ए मेथड को आपको दिखाता हूँ एब्सोलूट वैल्यू क्या है ये ठीक है तो यहाँ पे ए कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पे ए को पास कर देता हूँ तो इसका एब्सोलूट वैल्यू तो यही होगा जो मैंने लिखा है देखो यहाँ पे क्या करना है एब्सोलूट वैल्यू में यहाँ पे मुझे पास कर देना है अगर मैंने यहाँ पे माइनस में करा है इसको तो इसकी एब्सोलूट वैल्यू क्या रिटर्न आएगी देखो आ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ए बी एस है ना मेथड का नाम ए बी एस ठीक है तो यहाँ पे क्या करना है मैं यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देता हूँ यहाँ पे माइनस सॉरी सॉरी मेरी माय माय बैड यहाँ पे मैंने सी को प्रिंट करा रखा है मुझे बी को प्रिंट कराना रहा है, ना सी तो मैंने डिलीट कर दिया तो मैं वही बोलूँ क्यों नहीं आ रहा है देखो यहाँ पे आ गया टू पॉइंट फाइव अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे माइनस हटा देता हूँ तो फिर क्या आएगा तो वही आएगा यार क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ही है देखो वही आ रहा है अगर यहाँ पे मैं माइनस वन ट्वेंटी टू करूं यहाँ पे माइनस वन ट्वेंटी टू करूं तो यहाँ पे माइनस प्लस में आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर यहाँ पे निगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव मतलब एक एब्सोलूट वैल्यू बना के रिटर्न कर देता है तो अगर आपको चाहिए यार मेरे प्रोग्राम में कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए सबको पॉजिटिव करना है तो आप ए बी एस मैथड का यूज कर सकते हो ठीक है तो ये होता है एप्सोलूट मैथड उसके बाद लास्ट में आता है यार यहाँ पे पाई मैथड पाई का मान आप जान, जानते ही हो पाई मैथड पाई मैथड क्या करता है आपके पाई की वैल्यू को रिटर्न

अगर यूज़ आए तो आप यहाँ पे यूज़ ले सकते हो तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सारे मैथ्स के मेथड को कवर कर लिया और अगले वीडियो में हम अच्छे टॉपिक पे बढ़ रहे होंगे अब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे भी बढ़ रहे होंगे अपडेट मेथड पे बढ़ेंगे और धीमे धीमे इंटरेस्टिंग टॉपिक आता रहेगा ठीक है तो आज के वीडियो में सारे मैथ्स के मेथड में हम लोगों ने पढ़ा और आई होप आपको सारी मेथड समझ में अच्छे से आए होंगे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बनाना बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन भी दबा देना